गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ माहम जावेद, आई एम फ्रॉम बदायूं। तो आज हम बात करेंगे राजनीति। राजनीति इस्तेमाल में लाया जाने वाला आम शब्द है, लेकिन राजनीति से सभी लोगों के अलग अलग अर्थ जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग राजनीति को दलदल या गंदी राजनीति कहते हैं। मैं भी एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ और मेरा लक्ष्य है केवल एक अच्छा इंसान बनना, लेकिन मुझसे भी कहा जाता है कि तुम राजनीति की छात्रा हो तो तुम नेता बनोगी। और राजनीति में कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता, लेकिन यह गलत है। पर वास्तव में कई लोगों और नेताओं की वजह से हम इसे गलत भी नहीं ठहरा सकते। कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं होता है। न जाने कितने नेताओं के खिलाफ बड़े से बड़े आपराधिक केस चल रहे हैं, फिर भी वह बड़े बड़े पदों पर आश्रित हैं। ये लोग कानून मानते ही कहाँ हैं? कानून तो केवल आम जनता पर लागू होता है। अगर देखा जाए तो हमारे देश के 3 लोगों को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। किसान को रोटी उगाने से, गरीब को रोटी कमाने से, और हमारे राजनेताओं को राजनीतिक रोटियां पकाने से। हम ऐसा आम तौर पर देखते हैं कि राजनीति केवल खेली जा रही है। केवल राजनेता ही नहीं, हमारे देश का आम मतदाता भी राजनीति खेल जाता है, जैसा कि आपको अभी आने वाले चुनाव में पुनः देखने को मिलेगा। हो रही चुनावी रैलियों में लोग हजारों की भीड़ में जाते हैं, लेकिन मतदान के समय केवल धर्म और जाति के नाम पर अपना मत का प्रयोग करते हैं और एक ऐसे इंसान को चुनते हैं जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता। वह अयोग्य इंसान योग्य लोगों पर शासन करता है। हमारे देश के नेता ये भूल गए हैं कि राजनीति समाज को उन्नति की ओर ले जाना है, लेकिन इस समय में राजनीति केवल राज करने की नीति तक ही सीमित रह गई है। हमें सिर्फ अपनी कुर्सी नहीं बचाना है, हमें अपने देश को तरक्की की ओर ले जाना है। तो इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले खुद से शुरुआत करें, अपने मत का सही प्रयोग करें। हमें हमारी राजनीति में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अंत में मैं अपनी बात को पूरा करते हुए कहना चाहूँगी, आप सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि गुजरता हर दिन आपके लिए बेहतर हो, और जीवन में आने वाली किसी भी बाधा से आप निराश ना हो, उसका साहस और समझदारी से सामना करें। धन्यवाद।